अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। कल नॉमिनेशन भी है, तमाम लोगों को हमें सब साथ चलना है। अब कोई फासला नहीं। नसीम खान साहब एक बार पुरजोर तालियों के साथ। सदर हजरत मौलाना कारी साबित अली कासमी साहब, जमीतुल उलमा के बहुत ही सरगर्म रुकन जनाब रफीक साहब, हमारे छोटे भाई अलीम साहब, नियाज भाई यहाँ पर बैठे हुए, हमारे सभी साथी, नज़र बिजनौरी साहब, आलम निज़ामी, अरशद, सभी यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी साथी, हमारे सभी बुज़ुर्ग, बहुत सारे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हमारे मौजूदा उलमा इकराम, तमाम सारे हमारे बुज़ुर्ग नौजवान साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं प्रतापगढ़ के सभी लोगों का और ख़ास करके आज की इस आप सबकी जो ये महफिल सजाने वाले हैं जनाब अलीम साहब और ये कहाँ गए हमारे इरशाद भाई, सभी मुकीम भाई, कल्लन भाई बहुत पीछे बैठे हैं, आगे आ जाओ बाबू। सभी यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी साथी, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बारे में बहुत सारी यहाँ पर बातें की गई, हमारे नौजवान शायरों ने, शोराओं ने, शोरा इकराम ने अपने शेर के जरिए हमारी हौसला अफजाई की, हमारे उलमा इकराम ने अपनी दुआओं से हमें नवाजा और आप सबकी यहाँ पर मौजूदगी नसीम खान का सच मानो हौसला बढ़ा रही है। बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई पिछले 20 साल से, आपने देखा है हमारे याकूब भाई यहाँ बैठे हैं, बहुत ही पुराने 25-30 साल से हम लोगों ने साथ में काम किया, 30 साल। नियाज भाई काली दाढ़ी थी, माशाल्लाह सफेद हो गई। हम सारे लोग बड़ी नजदीकी से हालात को हम लोगों ने देखा। 90 के बाद से इस शहर को बड़े करीब से देखा, सरकारों को बहुत करीब से देखा, फिरका परस्त ताकतों को बहुत करीब से देखा। एक जज्बा था कि मजबूत नुमाइंदगी इस शहर में, इस रियासत में पैदा। और आप सबने ऐसी दुआएं दी कि उस काम के लिए नसीम खान को अल्लाह ने चुन लिया। और आपने देखा कि 20 साल तक सिर्फ चांदीवली नहीं, चांदीवली आप सारे लोग तो अपनी वोट के जरिए मुझे महाराष्ट्र की असेंबली में भेजते हैं, इलाके के तामीर और तरक्की तमाम सारी चीजें जितना भी हमसे बन सका, स्कूल कॉलेज 20 साल में, मुझे याद है 99 में पहली बार जब कुरला असेंबली हल्का हुआ करता था, जब विक्रोली तक इलाका जाता था, मैंने देखा था, मुशाहिदा हम लोगों ने किया था, क्या हालात थी इस इलाके, दो चार स्कूल उंगलियों पे गिने जाते थे। आज सिर्फ चांदीवली असेंबली हलके में 100 से ज्यादा स्कूल हो गए, 10 से ज्यादा जूनियर कॉलेज चांदीवली में खुलवाने में हम कामयाब हो गए,
बेरोजगार कम पढ़े लिखे नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए दो दो आईटीआई चांदीवली में हमने पास कराया, एक शुरू करा दिया। बहुत सारी चीजें कितनी गिनाई जाए। कब्रिस्तान का जिक्र हुआ, आज पूरी रियासत में कोई नई एक कब्रिस्तान नहीं बनी होगी। नसीम खान ने जीतने के साथ 5 साल में 2-2 नई कब्रिस्तान बनवाने में कामयाबी हमने हासिल की। यादव नगर खैरानी रोड गयबंशद, इसके पीछे हॉल का ये हॉल भी हम ही ने बनाया जहां हम बैठे, सिर्फ इसलिए कि इस इलाके के गरीब बच्चों के शादी ब्याह हो तो उनका आसानी से यहां पर निकाह हो सके, ओलीमा हो सके, सरकार की एक सुन्नत की अदायगी इस हाल में हो सके। इस जज्बे के तहत काम किया गया, चाहे हमारे दीनी अदारे हो, चाहे बुनियादी सहूलत हो, तमाम सारी चीजों को घर घर दरवाजे तक पहुंचाने का नसबुल ऐन नसीम खान ने बनाया और हमने करके दिखाया कि काम कैसे होता है। बहुत सारे डेवलपमेंट के काम, मैं आपके सामने वो सब काम गिनाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि चांदीवली से आपने नसीम खान को ताकत दी और नसीम खान ने आपकी नुमाइंदगी पूरे महाराष्ट्र में करके दिखाया। चाहे मालेगांव हो, जलगांव हो, औरंगाबाद हो, जालना हो, भुसावल हो, धुलिया हो, कहीं का भी हो, करके दिखाया गया कि नुमाइंदगी कैसे की जाती है और लोगों को फायदा भी हुआ। बहुत सारी चीज मुझे याद है, मैं पहली बार तीसरी बार जब वजीर हुआ 2009 में, रफीक साहब आपको पता है कि अकलियतों के लिए कोई फैसला करना चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं तो खुल के कहता हूं बड़ा मुश्किल होता है, बड़े कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। 45 से ज्यादा आईटीआई महाराष्ट्र में अकेले हमने 3 साल में खोलने का काम किया। 45 आईटीआई, 18 पॉलिटेक्निक सिर्फ अकलियत के लिए, रिजर्व फॉर माइनॉरिटी ओनली। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हुआ, सभी मदारिस, सभी उर्दू स्कूल को हर साल 2-2 लाख रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मदरसा मॉडर्नाइजेशन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम पर हमने मदरसा मॉडर्नाइजेशन की स्कीम शुरू की, हिंदुस्तान में किसी रियासत में नहीं हुआ। हमारी लड़कियां गांव में जो रहती हैं, देहातों में जो रहती हैं, रहने की जिला स्तर पर उनको रहने की जगह नहीं होती है, हाई स्कूल पढ़ के छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट हो जाता है, हायर एजुकेशन नहीं ले सकती, आला सतही तालीम नहीं लेती, माँ बाप डरते हैं कि शहर में कैसे भेजेंगे बच्चियों को। उनको रहने के लिए हर जिले में 100-100 बेड का गर्ल्स हॉस्टल अकलियत की लड़कियों के लिए हमने बना दिया। हिंदुस्तान में कहीं है कोई करके बताए, दिखा, यूपी में बना, बिहार में बना, दिल्ली में बना, गुजरात में बना, गुजरात में तो क्या बनता, राजस्थान में बना। जब आपका नुमाइंदा मजबूत होता है, ईमानदार होता है, काम करने का जज्बा रखने वाला होता है, तब ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरी तारीख 2014 में हमने लिखी कि महाराष्ट्र में 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को हमने सरकारी नौकरियों में देने का तारीखी फैसला किया, जिसको मुंबई की हाई कोर्ट ने कहा कि ये जायज है, कानून के दायरे में है। हिंदुस्तान में ऐसा किसी रियासत में नहीं हुआ, लेकिन फिरका परस्ती की बुनियाद पर इस सरकार ने सारी स्कीमें बंद कर दी, सारे वजायब बंद कर दिए। 2-2 हज हाउस बनाने में कामयाब हुए हम महाराष्ट्र में, नागपुर में बना के शुरू कर दिया, औरंगाबाद का कच्चा काम चालू है, 2 हज हाउस पूरे महाराष्ट्र में बनाए। खैर, यह मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फर्ज था, क्योंकि आपने अपनी नुमाइंदगी करने की जिम्मेदारी नसीम खान के कंधे पे डाली थी, तो उसको बखूबी निभाने की जिम्मेदारी हमारी थी और उसको निभाने का काम हमने किया बाखुदा। और आज जिस तरह से आप लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया, हौसला बढ़ाया, वैसे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी महफिलों में 20-25 साल में वजीर रहते हुए मुझे जाने का मौका मिला, 25,000-50,000 के मजमे में इस्तकबाल हुआ, नसीम खान के नाम का नारा लगा, लेकिन जब अपने घर में घर के लोग बैठ के पीठ शाबाशी का थपथपाते हैं तो छाती चौड़ी हो जाती है।
ये खुशी उस खुशी से दुगुना। इलेक्शन तो ठीक है, आते रहेगा जाते रहेगा। रफीक साहब आप सबकी दुआएं हैं, नसीम खान सबको गाड़ देगा। मैं नहीं डरता, मैं कोई लहर वहर से नहीं डरता। जब 2014 में नहीं डरा तो अब क्या डरूंगा। छोड़ दीजिए, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हमारे साथ है, हमारे नौजवानों की ताकत हमारे साथ। कौन डरता है ऐसे लोगों से, कोई भी आ जाए। अंडे लंडे आमा मामा सबको मामा बना के भेज देंगे, पार्सल कर देंगे। छोड़ दीजिए, बस खाली है। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि आपको जरा भी चेहरे पे आपके शिकन नहीं आनी चाहिए। मायूसी कुफ्र है। हमारे उलमा इकराम भी फरमाते हैं, आप भी सुने होंगे, बिल्कुल मायूसी कुफ्र है। मायूस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अल्लाह की जात से हम तो अल्लाह को मानने वाले, उन पे अकीदा ईमान है, हम कैसे मायूस हो सकते हैं। और हमने अच्छा किया है, सही किया है, इसलिए रास्ता बनते जाएगा इंशाअल्लाह ताला, रास्ता बनते जाएगा। रास्ते पे चलिए, रास्ता मिलेगा। और मैं चलने की कोशिश ईमानदारी से करते आया हूं और हमेशा मंजिल पे पहुंचा हूं। मैं तो हमेशा मंजिल पे अपनी निगाह रखता हूं। लेकिन एक बात, सब जगह ये शिकायतें आती हैं। मैं सिर्फ चांदीवली की बात नहीं करना चाहता। हमारे जोश होते हैं, इत्तेहाद होता है, जज्बा होता है, लेकिन इलेक्शन के दिन जिस परसेंटेज में हमको निकलना चाहिए अपने घरों से, हम नहीं निकलते। और बहुत सारे लोग बैठेंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, चाय की दुकान पे बैठे रहेंगे, कहेंगे अरे नसीम भाई तो लाखों वोट से जीत रहे हैं। वहीं बैठ के जितावत, वहीं बैठ के होता है कि नहीं होता। अरे 100 वोट है तो 45-50 बहुत हुआ तो 45% वोट गिरती, बाकी 55 लोग वोट क्यों नहीं डालने जाते। आप जरा आज मुल्क के हालात का जायजा लीजिए। हमारे नौजवान शायरों ने बताया क्या हो रहा है, कश्मीर क्या हुआ, आसाम में एनआरसी के नाम पर, महाराष्ट्र की सरकार के भी मंसूबे हैं कि यहां भी एनआरसी हम लागू करेंगे, उसके लिए नई मुंबई में जगह खरीदी जा रही है, तलाशी जा रही है। क्या मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले लोग किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, मॉब लिंचिंग किए जा रही है, किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है इस मुल्क में, आपको समझना होगा। मुल्क की आजादी के बाद बहुत सारी सरकारें इस मुल्क में आई और गई। मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, कांग्रेस की ही सरकार रहना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं। सरकार कोई भी रहे, जम्हूरियत है हमारे मुल्क में, लेकिन सरकार चलाने वाले लोग कम से कम ईमानदार होने चाहिए, कम से कम एक नजर से सबको देखना चाहिए। इस मुल्क की तारीख रही है, इस मुल्क को आजादी दिलाने के अंदर जितना और लोगों का रोल रहा है और लोगों की कुर्बानी रही है, उससे कम हमारी कुर्बानी नहीं है। हजारों हजार हमारे उलमा इकराम को सूली पे चढ़ाया गया, सीने पे गोलियां खाई हैं, उसके बाद भी कुछ छुटभैये नेता खड़े होते हैं, भगवा रुमाल डालकर और कहते हैं कि तुम्हारा यहां कुछ नहीं है। इस तरह की बातें करके इस मुल्क की एकजहती को तार तार करने की कोशिश हो रही है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, चाहे आजादी की तहरीक रही हो, चाहे हिंदुस्तान की तरक्की की राह का आसान करने का मामला रहा हो, जब जब इस मुल्क की में एकजहती रही है, मुल्क आगे बढ़ता रहा है। लेकिन कुछ चंद फिरका परस्त ताकतें अपने जाती मुफाद के लिए, अपने जाती मुफाद के लिए मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को तार तार करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं। उसे हमें बचाना है, इस मुल्क की सालमियत को हमें बचाना है।
और मैं तो इसके आगे जाके एक कदम कहना चाहूंगा कि सन 47 के पहले हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी, दूसरी लड़ाई पूरे हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदू और मुसलमानों को मिलकर फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई इस मुल्क की आईन को बचाने के लिए, इस मुल्क की बका को बचाने के लिए, इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, तब हमारा मुल्क जिसे हम कहते हैं अमन और प्यार और मोहब्बत का गहवारा, तब उसे हम कह सकेंगे। बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि आज के हालात में जिस तरह की सियासत चली जा रही है, जिस तरह से मुल्क को चलाने का काम किया जा रहा है, कैसे बोला जाता है पार्लियामेंट में, ऐसे चुटकी बजा के, साले कल के तड़ी पार आके ऐसे चुटकी बजा के बात करता है। ये हाल इस मुल्क में कभी नहीं देखा गया था। शरीफ आदमियों को ऊपर इल्जाम लगा लगा कर ईडी और सीबीआई की रेड कराई जा रही है, पावर का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता के नशे में चूर है लोग। ऐसे लोगों के होश ठिकाने लगाने का काम मुल्क की आवाम को करना होगा, और उसको उसके लिए इस मुल्क के आईन ने जो अख्तियार दिया है, हक दिया है वोट देने का, उसका सही इस्तेमाल करने का काम करके ऐसे लोगों को, फिरका परस्त ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, तब हम इस मुल्क को बचा सकते हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता हूँ, लंबी बात नहीं करना चाहता हूँ, बस आप सबसे मैं यही अपील करूंगा कि इलेक्शन शुरू हो चुके हैं, इलेक्शन के मोड में सब आ चुके हैं। हमने भी कोशिश की है कि महाराष्ट्र में एक महाज बने, वोटों का बंटवारा रुके, समाजवादी को भी आज हमने शामिल करवाया, राष्ट्रवादी को भी शामिल करवाया, और भी 5-6 पार्टियों की अलग अलग इलाके की, वसई विरार की, पुणे की, रायगढ़ की, सबको शामिल करवाने की हम लोगों ने जद्दोजहद करके, कोशिश करके एक महाज खड़ा किया। हम चाहते हैं कि महाज के सभी उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा वोटों से ज्यादा ताकत से जीते, ताकि जिस तरह से 5 साल में महाराष्ट्र में देखा गया है नंगा नाच हो रहा है एक तरह से। कल मुझे रात को अचलपुर से फोन आया, क्या हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है। पिछली असेंबली के इजलास में मैंने जोरदार तरीके से मांग कि महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट हमेशा से रहा है, हमारा राज, हमारी रियासत हमेशा से उसका एक रुतबा रहा है, अमन का, भाईचारे का, डेवलपमेंट का, तामीर और तरक्की का। आज यहां भी मॉबलिंग के नाम पे शुरुआत हो चुकी है। हमने मांग की है, मुतालबा किया है कि इस देश में नहीं, कम से कम महाराष्ट्र में मॉब लिंचिंग के खिलाफ सबसे कड़ा कायदा बनना चाहिए, और मॉब लिंचिंग के नाम पर अगर कोई किसी बेगुनाह पे हाथ उठाता है तो उसकी जगह जेल में होनी चाहिए, एक कड़ा कायदा बनना चाहिए इस मुल्क में। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आने वाले दिनों में आप सारे लोग 5 साल तक काम धंधा, तिजारत, रोटी रोजी, घर की जिम्मेदारी संभालते हैं, ये भी एक आपके ऊपर जिम्मेदारी है। 5 साल में एक बार मौका आता है, आप जहां जहां भी लोग रहते हैं आपके जान पहचान। और तीसरी बात, मुझे एक रफीक साहब समझ में नहीं आता, इन फिरका परस्त ताकतों से तो मैं लड़के निकल के जीत जाता हूं, लेकिन कुछ अपने जो जमीर फरोश हैं, जो खड़े कर देते हैं डेढ़ ईंट की दुकान बना के, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम आवाम को करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि तुम फिरका परस्त ताकतों के एजेंट बनके दलाली करने के लिए चुनाव में आके खड़े होते हो, और जज्बाती बनाकर, जज्बाती नारे देकर, जज्बाती बात करके नारे तकबीर अल्लाह का नारा लगा लो। अब उन्हीं को आता है क्या? इस तरह से वोटों का बंटवारा करने की कोशिश और साजिश हो रही है। इस सारी चीजों को समझना होगा, बारीकी से समझना होगा, और ऐसे लोगों को मुत्तहिद होकर मुंहतोड़ जवाब देने का काम आने वाली 21 तारीख को आप सबको करना है। मुत्तहिद होकर सभी से मैं ये कह रहा हूं कि मजबूती के, और अपने वोटों का 100% 100% आपको इस्तेमाल करना होगा। अगर आप चाहते हैं
कि इस मुल्क से, इस रियासत से, इस शहर से फिरका परस्त ताकतों का जनाजा निकले तो आपको अभी से कमर कस के तैयार रहना होगा, तैयार रहना होगा। और मैं तो इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा किया जिस दिन उन्होंने तारीख का ऐलान किया, 21 अक्टूबर उन्होंने तारीख का इलेक्शन की पोलिंग की डेट ऐलान की है। मैंने अल्लाह की बारगाह में भी शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा अल्लाह शायद तूने मेरी पैदाइश के दिन ही फिरका परस्त ताकतों का जनाजा निकालने के लिए डेट का ऐलान करवाया, यही हो सकता है, शायद यही लिखा होगा। हेलो, तो करेंगे, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस आप सारे लोग मिलजुल कर अपने अपने इलाके में, अपने अपने मोहल्ले में, जहां भी आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार जहां जहां भी रहते हैं उनकी जहन साजी कीजिए, बेदारी लाइए कि आपका ये एक अहम फरीजा है। इस मुल्क के आइन ने आपको कानूनी तौर पर सबसे बड़ा हथियार दिया है, इसका इस्तेमाल करिए फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ, इस मुल्क की भाईचारगी, अमन और चैन को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल आपको करना जरूरी है। ये संदेश आज आपको यहाँ पर लेके जाना है। और प्रतापगढ़ के लोग जो चीज ठान लेते हैं, प्रतापगढ़ की एक तो कहावत ना हो अलिम्बे का है, एक प्रतापगढ़ी का हो सौ पढ़ा एक प्रतापगढ़। अब समझ लो भैया, मैं प्रतापगढ़ आया था कांगे उनके वो घोड़े के उसमें, नसीम खान तो नसीम खान कि इत्तेहाद क्या होता है, भाईचारगी क्या होती है और मोहब्बत क्या होती है। मैं हबीब साहब के गांव भी गया था, घर भी गया था, क्या मोहब्बत, यही तो हमारे मजहब ने हमें दिया है, इखलास, इससे बढ़ के कुछ नहीं, सब दुनिया में रह जाएगा यही। अरे इखलास नहीं होता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो कितने ईमान वाले थे दुनिया में। मौलाना आपने अपनी अमली जिंदगी में उस इखलास को दिखाया, तब लोगों ने कहा कि यही सच्चा मजहब है और तब लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, वाह वाह, इखलास, इखलास बहुत बड़ी चीज। मैं सबसे कहता हूँ इखलास पैदा करो, जहां भी रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी आपका पड़ोसी रहे है उससे इखलास पैदा करो। एक बार माहौल बना लीजिए इखलाक का तो बड़ी से बड़ी फिरका परस्त ताकतें आके आपके खिलाफ वरगला के आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये भी हमें करना होगा और एक करने का काम की शुरुआत आप करिए। हालांकि आप सारे दीनदार लोग यहां बैठे हैं, करते ही रहते हैं, लेकिन और इसको बेदारी के साथ आगे बढ़ाइए और इसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाइए। और 21 तारीख को मैं अपील करूंगा कि मेरा एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग दुआ भी देवे और ओट भी दे इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए आप कमर कस के आज से ही तैयार रहिए। और मैंने तय किया है कि कल इंशाअल्लाह ताला मैं पर्चा दाखिले के लिए सवेरे 9:30 बजे जरी मरी से आप सबकी दुआ लेके मैं निकलना चाहता हूँ। आप सबकी मंजूरी है, हाथ उठा के मजबूत, सिर्फ मुझे हाथ उठा के ये नहीं चाहिए, आपको आके खड़े रहना पड़ेगा वहां जी। 5 साल तक मैं आपकी लड़ाई लड़ता हूं और 5 साल के बाद ये चुनाव आपको लड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मुझे लगता है। ये इलेक्शन आपको लड़ना चाहिए, मेरा नाम बैलेट पेपर पे जरूर है, मैं जरूर आपकी नुमाइंदगी आगे चलते हुए करूंगा, लेकिन उसकी लड़ाई लड़ने में साथ देने का काम आपको करना होगा। और उसके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि सवेरे 9:30 बजे सारे लोग मेरे लिए, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि नसीम खान का हाथ मजबूत हो, आप चाहते हैं कि नसीम खान और ताकत के साथ इस इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला उभरे, तो आप सैलाब की तरह कल आपको उमड़ना होगा और निकलना होगा। और कल ही पहले दिन पूरी बंबई नहीं महाराष्ट्र को बता देना होगा कि चांदी वाली लाखों वोट से हम जीत रहे हैं, ये आपको देना होगा इंशाल्लाह। तो ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आएंगे सवेरे, शुक्रिया, आइए और मुझे दुआ से अपनी नवाजिए,
और मेरा हौसला भी बढ़ाइए, ये खास करके मैं आप सबसे आज यहाँ पे कहना चाहता हूँ। और 21 तारीख तक अपने अपने इलाके में एक बेदारी की मुहिम, इत्तेहाद की मुहिम जलाने का काम, चलाने का काम आप सारे लोग करिए। और 24 तारीख को इंशाल्लाह ताला जब वोट की गिनती हो तो पिछले 4 बार का रिकॉर्ड 24 तारीख को टूटना चाहिए, ताकि नसीम खान का हौसला और मजबूत हो सके और जरूरतमंदी के साथ अगले 5 साल तक आपकी नुमाइंदगी सिर्फ चांदीवली, सिर्फ आजाद नगर घाटकों पर नहीं बल्कि मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में करने का काम मैं करूं, ये मैं आप सबसे चाहता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।